अश्विनार ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीछे हमारी एक सीरीज चल रही थी गुरु के गोचर पे। गुरु जो है 30 मार्च 2019 दिन शनिवार रात्रि में 3:15 से 22 अप्रैल 2019 शाम 5:11 तक वृश्चिक से धनु में रहेगा। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न राशियों में, अभी तक मैंने जो है मकर राशि तक बता दिया, आज मैं जो है कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा। देखिए, कुछ चीज़ें मैं गुरु के बारे में बता देता हूँ। गुरु को हिंदू ज्योतिष शास्त्र में जो है, गुरु के गोचर को हिंदू ज्योतिष शास्त्र में सबसे अहम माना गया। कारण ये है कि गुरु सबसे 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है और उसके पास कई विभाग हैं। ज्ञान का विभाग है, संतान का विभाग है, धर्म का विभाग है, विवाह का विभाग है, धन को देखता है, पुत्र संतान को देखता है, कई चीज़ें, शिक्षा को देखता है, कई चीज़ें। अगर आपकी पत्रिका में या फिर हाथ में मैंने पीछे वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। अगर आपके हाथ में गुरु की स्थिति अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को आपको जो है बेहतर तरीके से जीवन यापन आप कर पाएंगे। कुंडली में या हाथ में गुरु अगर बलवान होता है तो परिवार से समाज से विभिन्न क्षेत्रों में जो है लाभ मिलता है। कैरियर में स्थायित्व देता है, स्वास्थ्य लाभ देता है, ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं और मजबूत आर्थिक स्थिति देता है को दिखाता है गुरु। चलिए विषय पे आते हैं। देखिए, ऐसा है कि कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए गोचर 11वें भाव में होगा। गुरु 11वें भाव में गोचर से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो विशेष लाभ मिलेगा कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए। देखिए, धन भाव में गोचर कर रहा है गुरु, इस पीरियड में आपको धन लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कहीं ना कहीं मित्रों से भी आपके जो है संबंध अच्छे होंगे, उनसे भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है इस पीरियड में। जिन लोगों के धन अटका हुआ था, पीछे फंसा हुआ था, ऐसी स्थिति थी, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु पंचम दृष्टि से जो है आपके तीसरे भाव को देख रहा है, थर्ड हाउस को देख रहा है, जो कि हमारा यात्रा का पीरियड दिखाता है। इस पीरियड में आप यात्रा करेंगे और यात्रा कहीं ना कहीं लाभकारी दिख रही है इस पीरियड में। कुंभ राशि कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अच्छी यात्राएं होंगी, उससे आप लोग को लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको एक चीज पीछे, अगर डिप्रेशन की स्थिति या मानसिक तनाव की स्थिति चल रही है, इस समय पर आपका तनाव गायब हो जाएगा या फिर तनाव आपका कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े क्षेत्र में जो लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत विशेष समय है। टेलीफोन संचार, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु जो है सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, जो कि संतान का भाव है। इस पीरियड में संतान से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है या संतान का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ही बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं कंपटीशन या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए जो है ये आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और गुरु जो है सातवीं दृष्टि से जो है विवाह के भाव में देख रहा है, तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि इस तरह पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में जो लोग हैं विवाह के लिए प्रयासरत हो सकते हैं या फिर उनके लिए जो है विवाह के लिए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित समस्याएँ, लीवर से संबंधित समस्याएँ और आपका शुगर से संबंधित समस्याएं, इसके लिए समय अच्छा है। अगर इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं आपके हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी होती दिख रही है। एक चीज़ और है, इस पीरियड में बुद्धि जो है पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे आप, और कहीं ना कहीं उस हिसाब से सकारात्मक चीज़ें होंगी। 24 दिन का पीरियड है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पीरियड में काफ़ी लाभ मिलेगा कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए, ऐसा दिख रहा है। दूसरी चीज़, गुरु विवाह का कारक है, गुरु सातवीं दृष्टि से जो है विवाह के भाव को देख रहा है। अगर किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है आप में और आपके महिला और पुरुष में, अगर किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है वैवाहिक जीवन में, तो इस समय पे आप जो है प्रयास करिए, आपस में मधुरता आएगी और संबंध अच्छे होंगे। इस समय पे पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, पार्टनर से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इस पीरियड में किसी प्रकार की हार्मोनल दिक्कतें हैं उसके लिए समय अच्छा है। ये समय जो है चीज़ें ठीक होती हुई इस पीरियड में दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाएगा, ये कहा जाएगा गुरु का गोचर कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए अच्छा है और ये कार्यों को बढ़ाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो है, जो भी बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है और कहीं ना कहीं रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा।